2024 एक ऐसा साल है जहां पूरी दुनिया में कई जगह युद्ध हो रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध 800 दिनों से भी ज्यादा चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और पैलेस्टीन युद्ध के खत्म होने के संकेत ही नहीं हैं। 2024 एक सेंसिटिव साल है। ऐसे में हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर 2024 में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या भारत ऐसे युद्ध के लिए तैयार है? इंडियन मिलिट्री किस लेवल पे ऐसे युद्ध को डील करने के लिए तैयार है? किसी भी युद्ध में दो चीजें किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और अहम होती हैं। दोस्तों, ये है उस देश की ताकत और उस देश को विश्व स्तर पर बाकी देशों से मिलने वाला सपोर्ट। अगर कोई देश ज्यादा ताकतवर होता है तो किसी भी विश्व युद्ध में उसके साथ आमतौर पर अन्य ताकतवर देश भी खड़े रहते हैं, लेकिन अगर कभी किसी कमजोर देश के साथ और ताकतवर अमेरिका जैसे देश खड़े हैं तो वो देश भी अपने दुश्मन देश को काफी हद तक चुनौती दे सकता है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध जैसा माहौल रहा है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है जो 860 दिनों से भी ज्यादा चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल पैलेस्टीन वॉर है जो कब खत्म होगा किसी को कुछ नहीं पता। दो दुश्मन देशों के पावर बैलेंस को समझने के लिए आइए दोस्तों देखते हैं रशिया यूक्रेन का एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन दो देशों की ताकत को सीधे तौर पर तुलना करें तो रूस बेशक यूक्रेन से कई ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यूक्रेन को कई ताकतवर नाटो देश सपोर्ट करते हैं, जिससे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंचता चला गया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन दो देशों की ताकत की सीधे तौर पर तुलना करें तो रूस बेशक यूक्रेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यूक्रेन को कई ताकतवर नाटो देश सपोर्ट करते हैं, जिससे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंचता चला गया और ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। रूस और यूक्रेन के अलावा इसराइल और हमास के बीच का युद्ध भी जारी है। इसराइल, जिसके पास कई एडवांस हथियार है, एक ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन हमास को कई संगठनों और देशों का समर्थन मिलता है जिसने इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींच दिया है। दोस्तों, ज्यादातर देश ये मानते हैं कि उन्हें किसी भी युद्ध के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अच्छे हथियार और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना युद्ध के जीतने के लिए काफी नहीं है। किसी भी युद्ध के लिए शक्तिशाली सहयोगी देश का समर्थन बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आने वाले भविष्य में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ जाए तो भारत के मिलिट्री और इंटेलिजेंस यूनिट की क्या तैयारियां हैं। हम बात करेंगे कि भारत अपने दुश्मनों का सामना कैसे करेगा, कौन से देश भारत का समर्थन करेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी ऐसे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पे वीडियो अपलोड हो तो आप उन्हें आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की क्या तैयारियां हैं और अगर विश्व युद्ध सच में शुरू हो गया तो भारत को किन देशों का समर्थन मिलेगा या किन देशों के साथ भारत जुड़ा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, रूस भारत का काफी अच्छा दोस्त है और रूस भारत की ये दोस्ती काफी पुरानी है। और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में जब भारत शामिल था तब रूस ने भारत की मदद की थी। हालांकि आज की स्थिति पूरी तरह से अलग है। आज के समय में रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और भारत की तुलना में रूस को इस वॉर में चीन से ज्यादा मदद मिल रही है। और वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के बीच की दुश्मनी को पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, अगर फ्यूचर में तीसरा विश्व युद्ध होता भी है तो ये कहना काफी मुश्किल है कि भारत को रूस का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान चीन की मदद से बेझिझक रूप से कश्मीर मुद्दे पर भारत पर हमला करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश चीन के दबाव में होंगे, क्योंकि उनके ऊपर चीन का भारी कर्ज है जो उन्हें भारत के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। मालदीव ने पहले ही भारत के साथ अपने संबंधों को खराब कर लिया है और इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसीलिए जियोपॉलिटिक्स के हाल को देखते हुए भारत को रूस का समर्थन मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। दोस्तों, अगर हम देखें तो दूसरी ओर रूस भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि नाटो रूस को चारों तरफ से घेरने और हराने की कोशिश कर रहा है। इस तरह रूस ने अपने सिक्योरिटी अलायंस बढ़ाने के लिए चीन,
ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ गठबंधन बनाया है। ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दो सुपर पावर्स अमेरिका और रूस अपने अलायंस वाले देशों के साथ एक दूसरे का सामना करेंगे। ये भारत के लिए सबसे चैलेंजिंग स्थिति होगी क्योंकि उसे किसी एक देश की साइड लेनी होगी। लेकिन दोस्तों, भारत किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे। हालांकि जब विश्व स्तर पर ऐसे युद्ध होते हैं तो एक बार चीजें गलत हो जाने पर ना चाहते हुए भी आपको उनमें हिस्सा लेना पड़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए एक तीसरा ऑप्शन भी है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत ऐसी स्थिति में और क्या कर सकता है? हाँ दोस्तों, रूस और अमेरिका में से किसी एक की तरफ होने के बजाय भारत उन देशों का एक तीसरा अलायंस बना सकता है जो भारत पर भरोसा कर सकते हैं। इस अलायंस में कई साउथ एशियन, दक्षिण अमेरिकी और अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। भारत ने पिछले डेकेड में कई एरियाज में बड़ी डेवलपमेंट की है जिससे भारत की इमेज विश्व स्तर पर ऊंची हो गई है। तो दोस्तों, इन सब सिनारियों को देखते हुए इस चीज की पूरी संभावना है कि भारत ना तो रूस के अलायंस में शामिल होगा और ना ही अमेरिका के अलायंस में। इसका एक रीजन ये भी है कि भारत तेजी से नए देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जिनमें से ज्यादातर आज के टाइम में चीन के दुश्मन है। फ्यूचर में ये देश तीसरे विश्व युद्ध में बिना शर्त भारत का समर्थन कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को सौंपा है जो चीन का दुश्मन है। इसके अलावा भारत नहीं चाहता कि चीन पूरी तरह से ताइवान पर कब्जा करे। ये दर्शाता है कि भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है जिससे वो खुद को मजबूत कर रहा है और चीन को कमजोर कर रहा है। इसीलिए कुछ समय के लिए ये मान लिया जा सकता है कि भारत अमेरिका के पक्ष में हो सकता है, लेकिन ठोस रूप से चीन, जो रूस का सहयोगी है, हमेशा रूस के पक्ष में ही रहेगा। दोस्तों, अमेरिका ने रूस और ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं जिसकी वजह से रूस और ईरान के बीच दोस्ती बढ़ने लगी है। ईरान भी अपने हथियारों और ड्रोन के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। दूसरी ओर ईरान हमास का साथ दे रहा है, जहां इजराइल भारत का दोस्त है। इन सभी सिनारियो को देखते हुए कई बातें पूरी दुनिया के सामने क्लियर हो जाती है जिसको सब समझ सकते हैं। हालांकि अभी ये बताना मुश्किल है कि आगे क्या होगा जिसको सब समझ सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? और अगर होगा तो तीसरे विश्व युद्ध के लिए भारत कितना तैयार है? और भारत किन देशों के साथ अलायंस बनाएगा? ये भारत को किन देशों से समर्थन मिलेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। डिफेंस, मिलिट्री और वर्ल्ड न्यूज के ऊपर आपको हमारे चैनल पर कई वीडियोस मिल जाएंगी। आप किस टॉपिक पर हमारे चैनल पर डिस्कशन चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।